Good evening, everyone. Mera naam hai Neriah Illyas, aur aap dekh rahe hain Good News Catholic TV on the show called Meri Bulahat, jisme main milwati hu aapko different personalities se. To aaj mere saath studio mein maujood hai wo personality jinki vocational life ke bare mein aap janne wale hain. So please don't go anywhere. Stay tuned. Milte hain ek choti si break ke baad. आपको मिलवाते हैं रेवरेंड फादर मारियो रोड्रिग्स से जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है. गुड इवनिंग फादर. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड फादर, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आप यहाँ आए और अपनी वोकेशनल लाइफ को आप हमसे और हम हमारे सारे देखने वाले से शेयर करने वाले हैं. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फादर. पहला सवाल जो कि मेरे अंदर भी और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया के हैं जो जानते हैं आपको और काहिन को देख के भी जो पहला सवाल याद आता है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? मेरे ख्याल में इसका आगाज जो है बहुत बहुत सदियों पहले और ये उस वक्त का था जब मैंने मैट्रिक पास किया. फिर इसके बाद मैंने इंटर शुरू किया, इंटर पास किया और लेकिन इसके दौरान मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रगल कर रहा था कि क्या खुदा मुझे बुला रहा है या नहीं बुला रहा. शुरू से ही मुझे हमें हमारे ग्रुप में हमें खिदमत का बहुत शौक था. मैं ऑल्टर सर्विस में था, लीजन ऑफ मेरी में था. फिर हमने नौजवानों ने अपना एक ग्रुप बनाया था. पहले हमने इसको फैतमा यंग मैन एसोसिएशन के नाम, यंग बॉयज एसोसिएशन के नाम पर शुरू किया कि उस वक्त हम बच्चे थे. तो फिर इसके बाद हमने यार अभी फिर हमें याद आया कि हम आदमी बन गए तो फिर हमने उसको चेंज किया फैतमा यंग मैन एसोसिएशन. और ये उस ग्रुप से काफ़ी वोकेशंस निकले, तकरीबन 3-4 उस ग्रुप से फादर्स बने थे. अच्छा. और मेरे ख्याल में वो इसी वजह से क्योंकि हम सब साथ थे, खिदमत करते थे चर्च में, प्रोग्राम अरेंज करते थे पैरिश में. तो और एक मेरा एक दोस्त है जिसने उस वक्त मुझसे कहा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, हो सकते खुदा आपको किसी और चीज़ के लिए बुला रहा है. अच्छा. तो मैंने कहा यार ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है. तो उसने कहा नहीं, मेरे ख्याल में खुदा आपको बुला रहा है. और फिर मैंने उसको उस ब्लाट को नज़रअंदाज किया उसके कहने पे और मैंने अपना स्टडी जारी रखा, काम जारी रखा, दोस्तियाँ जारी रखे. और तकरीबन 1982 की बात है, अभी वो फादर है उस वक्त वो सेमिनरियन था, उसने मुझे दावत दी कि आप क्यों नहीं, हमारा वोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, आप क्यों नहीं इसके लिए आए.
तो फातिमा पैरिश से मेरे ख्याल में हम दो गए थे, दो और हम नहीं नहीं सॉरी हम तकरीबन चार थे फातिमा पैरिश से, और इस ग्रुप से तकरीबन हम तीन थे. और फिर वहाँ हमने काफ़ी मुतासर हुआ और हमने बहुत इंजॉय भी किया, मस्तियाँ भी बहुत की. अच्छा. लेकिन हमेशा वोकेशन प्रोग्राम के बाद के हर रोज़ के बाद मेरे ब्रदर हमें बताते थे कि फातिमा वालों को बहुत अच्छा रिपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्रीस बहुत इम्प्रेस्ड है आपके साथ ये वो. आखिर में जब फाइनल डे था, क्योंकि उस वक्त वोकेशन प्रोग्राम जो है सिर्फ दो तीन दिन का नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते का, मंडे से शुरू होते थे और संडे इवनिंग को ख़त्म होते थे. तो फिर और आखिरी दिन जो है हमने पैरिश में स्पेंड करते थे फादर के साथ उनकी ज़िंदगी देखने के लिए. मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे सदाए दौर, उस वक्त सदाए दौर पैरिश था और कुरंगी पैरिश अभी जैसे गुड शेपर्ड कहते हैं और फादर जो डिमेलो पैरिश प्रीस था. तो मैंने फादर जो के साथ काफ़ी उस वक्त इलाकों में गया, हमें लेके गया मुख्तलिफ इलाकों में दिखाने के लिए और उसका काम. और जैसे फादर जो डिमेलो काम कर रहा था मुझे, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं कि इसके काम के किस तरह वो लोगों को गाइड करते हैं, किस तरह लोगों को जमा करते हैं, किस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत खास और बहुत सख्त था लोगों के साथ. बहुत सख्त. तो ये सब जो है चीज़ें मेरे ख्याल में मुझे मुतासर किया. और फिर उसके बाद मैं आया वापस, दुआ करता रहा और फिर फाइनली मैंने अपना डिसीजन लिया. तो फादर इस सब टाइम पीरियड में घर वालों का क्या रिस्पांस था जब आपने उनको बताया? अच्छा, एक बात बताने की जरूरी, मैं चार बहनों का इकलौता भाई हूँ. तो जब मैंने दोपहर का वक्त था, हमने उस हम रोजरी हमें खानदानी रोजरी मास था हर रोज. और जब मेरे वालिद जो है वो एयरलाइन में काम करता था, तो जब उसने नाइट ड्यूटी करना था तो हम दोपहर में रोजरी करता था. तो हमने जब किया तो रोजरी के बाद मैंने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ, सेमिनरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ. तो सारी मेरी बहनों ने मजाक करना करना शुरू. अच्छा, फिर थी गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा, ये उसका क्या होगा. तो फिर मैं गुस्से में अपनी किताबें उठा के मैं गया था क्लासेस के लिए. अच्छा. और मैं कि मज़ा सब मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. तो जब मैं वापस आया, खाना खाया, तो मैं बहुत करीब हूँ मेरी वालदा के साथ. तो मैं अपनी वालदा को बताया कि मैंने क्या बाकी सीरियस हो. तो फिर जब मेरे वालिद आया था दूसरे दिन, तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया, ना क्या कह रहे थे उस दिन कल. तो मैंने बोला मैंने सेमिनरी ज्वाइन करना था. और मैं इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने कार्डिनल उस वक्त कार्डिनल जोसेफ कडेरो था हमारा. अच्छा. बिशप, कराची का बिशप. तो मैंने जब इसको बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ सेमिनरी फादर बनने के लिए, सेमिनरी ज्वाइन करने के लिए, तो उसने बहुत खुश था. और जब उसको मालूम हुआ कि मैं अकलौता बेटा हूँ चार बहनों का, तो उसने बोला, ओह भाई मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, पहले आप इजाज़त लेके आ जाओ, बाकी को मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन इस ब्लड के लिए आपने इजाज़त देना अपने वालदैन से. मैंने कहा मुझे मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा वालिद वो एक क्लब था, सहरा क्लब, जो वोकेशंस के लिए काफ़ी अच्छा, काम करता अच्छा, था सही. तो इसलिए मुझे पता था. और फिर उसके बाद जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन किया, तो सपोर्ट मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते हैं. आज तक सपोर्ट करते हैं. इट वाज गॉड्स हैंड बेसिकली, इजंट इट? एग्जैक्टली, गॉड वाज मेकिंग इट. यस. फादर, इस पूरी जर्नी में आपको कभी भी ऐसा लगा कि चलो अब जो है ना मुझे छोड़ देना चाहिए, या कभी अकेला महसूस किया खुद को? मेरे ख्याल में अक्सर सिर्फ उस वक्त
ये होता था जब बीमार होता था, जब मैं एज ए सेमिनरी जब भी मैं बीमार होता था तो अक्सर या चंद दिन सेमिनरी में, और फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हॉस्पिटल में, और अक्सर अवकात जब मैं हॉस्पिटल के बाद मैं एक दो दिन ज़रूर परमिशन लेके मैं घर जाता था और फिर मैं वापस आता था। और जब तक मेरी वालदा जिंदा थी तो एज अ प्रीस्ट भी जब भी मैं बीमार होता था, बीमार हुआ अमेरिका में वो भी बहुत कम, सिर्फ दो दफ़ा अमेरिकन में, एक दफ़ा जब मैं कुरंगी में था जब मैं बीमार हुआ था तो मैं अपना सामान पैक करके मैंने फादर अगस्टिन को कहा कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं आ जाऊँगा, और मैं घर गया अपनी वालदा के पास। और Then you were fine. तो फादर सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट क्या रहा अब तक आपकी जर्नी का? टफेस्ट पार्ट इट्स डिफिकल्ट टू से टफेस्ट पार्ट व्हाट इज टफेस्ट पार्ट कि कौन सा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल आते हैं जिंदगी में लेकिन वो ज़्यादातर देर नहीं रहते हैं, वो क्योंकि ज़िंदगी ऊपर नीचे होता है, तो यू हैव डिफिकल्टीज, यू हैव जॉय सॉरोज, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, सो दैट डज हैपन। बट आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज सेइंग गुड बाय टू माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली व्हेन आई जॉइंड माइनर सेमिनरी ऑन द 20th of August 1983. You still remember that, that day? I'll never forget that day. Each and every event of that day? Yeah, especially that last moment. That night, I just could not sleep. I was just so upset. मैंने कहा यार मैं उठ के मैं कल सुबह मैं घर जाऊँगा यार, ये मेरे पास नहीं। फिर फादर किस चीज़ ने रोका आपको वहाँ पे? मेरे ख्याल में वो जो माहौल था, जो ब्रदरहुड था, फिर काम जो था, ऑल दीज थिंग्स मेरे ख्याल में काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। वरना मैं क्या था उस दिन जब मैंने ज्वाइन किया, उसके दूसरे दिन सेंट पायस टेंथ की ईद थी और उस दिन इतवार का दिन था और सारे फादर्स ने सेमिनरी आना था इवनिंग प्रेयर के लिए और डिनर के लिए, तो सेमिनरी को तैयार करना, सेमिनरी को सफाई करना, खाना पकाना, हर चीज़ प्लेटें तैयार करना, हर चीज़ जो है हमने बांटना था आपस में, और जो और मैंने जब देखा कि तो फर्स्टली इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क कि हम इतने मशहूर थे, मैं वक्त भी नहीं मिला सोच। फादर काहिन बनने के बाद आपने कौन कौन से पैरिशेस में खिदमत दी और डायसिस ने आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, हम सब जानना चाहेंगे। मेरा पहला जो अपॉइंटमेंट था वो था मिशनरी टू सिंध एंड बलूचिस्तान। अच्छा। और वो ये था कि एक महीने मैंने खुजदार भी रहना था, एक हफ्ता जो कराची में सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल में, और फिर एक महीने कोटरी में। अच्छा। तो सिंध भी कवर कर रहा था, बलूचिस्तान भी कवर कर रहा था। ये जो पहला जो था वो जब मैंने जाना था खुजदार वो 29th December 1990, और मुझे याद है कि मैं सुबह 5 बजे की बस लेके मैं गया था, और जब मैं पहुंचा तकरीबन 12:30 बजे वहाँ से खुजदार के बस स्टॉप पे उतर कर फिर अंदर जाना, काफ़ी तकरीबन आधे घंटे का पैदल सफ़र करना है। अच्छा। और सर्दी इतनी शदीद थी और हवा जो सीधा और आप पैदल जा रहे थे बैग्स के साथ, बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो ठीक हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कार्डिनल मुझे सदाए दौर में अपॉइंट किया एज एन असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट विद फादर जोड़ मेलो। उसके बाद मुझे ड्रिग रोड भेजा गया विद फादर रिचर्ड। उसके बाद मुझे एज एन असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट सेंट लॉरेंसेस भेजा 1 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए मुझे पैरिश प्रीस्ट बनाया वहाँ ही सेंट लॉरेंसेस में।
उसके बाद मैंने मुझे सेंट पॉल्स महमदाबाद में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ मैंने 7 साल गुजारा एज एन असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फैसले के साथ. फिर वहाँ से मुझे सेंट एंथनी ट्रांसफ़र किया, सेंट एंथनी से सेंट पैट्रिक्स. अभी करंटली आप सेंट पैट्रिक्स में हैं. एग्जैक्टली. चलिए, ये खूबसूरत जर्नी थी एक आपकी. फादर, इस पूरे सफर में आपको डाइसिस ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, उनमें सबसे ज्यादा अहम या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सी थी? मेरे ख्याल में सबसे चैलेंजिंग जो था वो मेरा डिग्रोड जाना, क्योंकि मैंने बहुत डिग्रोड जाने से पहले मुझे बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स मिला था डिग्रोड के बारे में. अच्छा. लेकिन जब मैंने डिग्रोड में काम किया, डिग्रोड में मैंने देखा कि वो बिल्कुल गलत था. बिल्कुल बहुत गलत था. अच्छा पैरिश था, एक्सलेंट एक्सपीरियंस, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ. सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से पैरिश में रहा? अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं. लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, और ये हर पैरिश में होते हैं. हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं और ये जो है आप एक्सेप्ट करते हैं. तो यू कैन से यस, डिपेंड ऑन यू कि आपने कैसे एक्सेप्ट किया उस जिम्मेदारी को और आपने कितना दिया उसकी तरफ. तो दैट्स इट. रिसेंटली फादर, हमने देखा है मीडिया पर आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के साथ, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं. मेरे ख्याल में इसके बारे में बताने के लिए इसका हिस्ट्री क्या है. मेरे ख्याल में पिछले साल 2017 जनवरी में एक कपल ने शुरू किया था सेंट पैट्रिक से तारीख लिखने के लिए. और जब वो आए थे हमारे पास तो उन्होंने कहा, फादर कैन वी यूज़ योर रिसोर्सेज ऑफ आपके आर्काइव्स वगैरह है. तो मैंने कहा वेलकम कि हमारे चर्च का हिस्ट्री लिख रहे डेफिनेटली. और फिर जब वो उसने ये आर्काइव्स खोले ये वो, फिर वो स्टेन ग्लास के बारे में और उन्होंने जो उनको जो ओरिजिनल कंपनी है जिसने स्टेन ग्लास बनाया उनसे रब्ता की मालूम करने के लिए कि क्या हुआ. लेकिन वो बंदा ने कभी उसको वो उनको जवाब नहीं दिया. तो फिर उन्होंने कहा फादर जोशुआ से बात की कि आप अगर इनसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल पे देखें अगर आपको जवाब दें. और जैसे ही फादर जोशुआ ने इनको ईमेल किया उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि हाँ जी हमने ये किया. तो फिर फादर जोशुआ ने इनका नाम वगैरह दिया कि ये लोग हैं वो तारीख लिख रहे हैं हमारे चर्च के. फिर उसके बाद वो फिर फादर जोशुआ ने मुझसे पूछा कि हमें मिला वो शख्स, क्योंकि हम सोच रहे थे वो स्टेन ग्लास को मरम्मत करने के लिए, इसके बहुत खस्ता हालत में है और अगर इसका अभी इसको ट्रीट ना करें मेरे ख्याल मुश्किल से 10 साल निकालेगा और इसके बाद सब खत्म हो जाएगा. और ये बहुत तारीखी स्टेन ग्लास है और हेरिटेज चर्च है. तो फिर फादर जोशुआ ने मुझसे पूछा मैं से उसको बताऊं कि स्टेन ग्लासेस का हाल क्या है. तो हमने तस्वीरें कुछ खींच के उनको सेंड किया. यस. और फिर उसने जब देखा तो उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी. उसने अपने तरफ से खुद आया कराची मैं शेरिटन में जो अभी अपना मोबन पिक होटल वहाँ रुके थे और फिर आया था सेंट पैट्रिक्स हमसे मिलने के लिए हमसे इजाज़त लेने. तो हमने कहा वहाँ रहने के बजाय अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ रह सकते हैं पैरिश हाउस में ये वो. तो बंदे वो उसने जाकर पूरा चर्च वो मुआयना किया ये वो और फिर उसने हमें बताया कि स्टेन ग्लासेस 3 सेट्स आए थे और अब उन तीनों में से सिर्फ जो कराची का है वही रह गया, बाकी सब तबाह हो गए. मुख्तलिफ है हादसा, एक आग जलजले में क्वेटा वाला, एक आग में जो कोटरी में था जो पूरा चर्च तबाह हुआ था. तो सिर्फ ये रह गया.
तो वो वापस किया और एस्टिमेट भेजा. जब उसने एस्टिमेट भेजा तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के मैं बिशप के पास गया. बिशप ये रहा एस्टिमेट. बिशप को हार्ट अटैक होने से बहुत बड़ा एस्टिमेट था. मैं 23 करोड़ उस वक्त ओवर 1 मिलियन यूरोज क्योंकि वो स्टेन ग्लासेस को उसका प्रोग्राम था कि निकालें बिल्कुल रिन्यू करें पैकअप करें फिर उसको म्यूनिक भेजेंगे. अच्छा. जहाँ उनका वर्कशॉप है वहाँ जाकर वो दोबारा प्लेसमेंट करेंगे सर्विस करेंगे जो लेड वर्क दोबारा करेंगे फिर उसको फ्रेम करके वापस कराची भेजेंगे. फिर तो ये जो कार्टेज जो है और इंश्योरेंस वगैरह वो बहुत महंगा होता है. तो ये सब कुछ करने के बाद बिशप ने कहा तो मैंने बोला बिशप आप चाहते ये करने के लिए. तो बिशप ने कहा इतना बड़ा रकम है हम कैसे. मैंने बोला आप मुझे बताएं आपने करना है नहीं करना. तो बिशप ने बोला हाँ डेफिनेटली अगर कर सकते हैं. मैंने ठीक है मेरी जिम्मेदारी है. और फिर उस वक्त से मैंने शुरू किया प्लानिंग वगैरह. फिर पिछले साल जब बिशप कार्डिनल बना अपॉइंट हुआ था हमारा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह अपने इलेक्शन से पहले वो अपने फेयरवेल विजिट पे बिशप हाउस आया था और हमारी मुलाकात जो है हमारे डाइनिंग रूम में मैंने सेटअप किया था और डाइनिंग रूम में मुलाकात हुई हमारी. और उसमें मैंने उसको अप्रोच किया. मैंने कहा आप हमेशा हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं. वी लाइक टू आई नो इट्स अ रॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ ऑफिस राइट नाउ लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करें कि अगर सो ही सेड उसने उस वक्त मुझे कहा था फादर आप मुझे एप्लीकेशन दे दें और मैं ये फाइल में डालूंगा और ताकि जो कैटेगरी गवर्नमेंट है उनको पता चले और जो नेक्स्ट कम हुकूमत है उनको पता चले कि आपने ये किया. तो मैंने ये किया और फिर उसके बाद मैंने अपने तौर पर फंड रेजिंग का आगाज़ किया. और फाइनली जो है मैंने फिर उसके द्वारा अपील किया कि आपको याद है मैंने तो फिर उसके पुराना लेटर निकाल के अपने फाइल से उसने को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और मुझे सेंड किया कि ये लेटर. मैंने बोला हाँ. तो फिर उसने कहा ठीक है मैं कुछ करूँगा. फिर मैंने शीरिन रहमान से भी बात की और उसने भी कहा फादर आप फिक्र ना करो CM के डेस्क पे है ये और ये बहुत जल्दी हो जाएगा. और पिछले जुमे को महकमे ये इसी टाइम था दोपहर का टाइम था फ़ोन कॉल आया था CM हाउस से और उन्होंने कहा कि कल CM साहब आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने बोला किस सिलसिले में. तो उसने बोला स्टेन ग्लास के बारे में आपने जो अपील किया और जो चर्च का काम जो है तो उसने कहा कि कल आप आ सकते हैं. मैंने ठीक है 11:30 का टाइम दिया था. मैंने बोला लेकिन मैं अपने साथी को भी सर लाना चाहता हूँ और उस तो ने कहा कि इसका नंबर और ये CNIC नंबर वगैरह. तो मैंने फादर जोशुआ का CNIC नंबर वगैरह दिया और फादर जोशुआ को साथ लेके गया. और जब हम गए थे तो पहले उसने जो आर्कियोलॉजिकल टीम है सिंध का उनको भेजा था वो चेक करने के लिए और उन्होंने जो है वो स्टेन ग्लास को अप्रूव किया. उन्होंने कहा ये ज़रूरी है रिपेयर करना. और उन्होंने देखा कि दीवारों में काफ़ी जगह क्रैक्स आए हुए हैं पत्थर में और जो स्टोन वर्क जो है वो अपने और जो कुछ स्टोन्स जो है वो सीमेंट जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उनको छोड़ दिया. तो उन्होंने कहा कि ये लाजमी है ये करने के लिए. तो वो रिपोर्ट भी मेरे पास था और जब मैं गया CM के पास तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था सेक्रेटरी फाइनेंस था और ये सेक्रेटरी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था. तो सेक्रेटरी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भी बताया कि क्या क्या है ये वो. फिर फादर जोशुआ ने मैंने फादर जोशुआ से बात के कहा आप बताएं कि स्टेन ग्लास क्या है. तो फादर जोशुआ फिर मैंने बताया कि हमने क्या क्या किया फंड जमा करने के लिए और
तो फिर सीएम ने कहा ये बहुत बड़ी रकम है, मिनिमम यस आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. तो फिर उसने कहा कि वी विल डेफिनेटली डू समथिंग, और उसने कहा कि वी कैन डू इट दिस ईयर. आई सेड नो, इट डजंट हैव टू बी ऑन दिस ईयर, इट्स थ्री ईयर प्रोजेक्ट. ओह, थ्री ईयर प्रोजेक्ट, फिर बहुत अच्छा कह रहे हम, वी कैन गिव यू सम स्मॉल अमाउंट शुरू करने के लिए और फिर बजट के वो आ जाएंगे. तो इसलिए उन्होंने वो 250 मिलियन का अप्रूवल दे दिया. वाओ, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग. सर फादर, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैं आपसे पूछूं. जब आप अपनी पूरी मुझे स्पिरिचुअल लाइफ बता रहे थे और उस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे थे जिस वक्त आपने अपनी फैमिली छोड़ी, तो दिस वॉज कमिंग इन माई माइंड कि अभी इस पॉइंट पर आपको कभी तनहा महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, कि कभी सोचते हो कि नहीं I should have taken the decision to be with my family. No, I have not never regretted. No. मैंने कभी regret नहीं किया अपने. मैंने हम अमेरिका में एक family है मैं, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो लोग. एक दफा उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं फादर ही बनूंगा. तो उसने तो उन्होंने कहा कि आपने आप रिग्रेट नहीं करते हैं फादर बनना? मैंने कहा कभी नहीं, मैं क्योंकि जो ब्लेसिंग मिला मुझे मिला जो जो प्यार जो एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली. व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रीस्ट? बेस्ट पार्ट आई थिंक The best part was I think being with the people acceptance, लोगों के लोगों की कबूलियत, लोगों के प्यार. और आप कहीं भी जाएं एज ए प्रीस्ट आप जानते भी नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी लोग आपको दिल वैल्यू, दिल रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट यू. सो दैट इज आई थिंक. कभी ऐसा पॉइंट आया आप किसी ऐसे शख्स से जाके मिले हो जिसने कहा फादर आपने ये चीज कभी सर्मन में बोली थी एंड इट चेंज्ड माय लाइफ, तो फीलिंग वो टाइम कैसा लगा आपको? मैंने मैंने बहुत दफा ऐसा हुआ और अच्छा लगता है कि आपने कुछ काम किया किसी के लिए, किसी की जिंदगी के लिए कुछ किया. सो और कभी कभी भूल भी जाते हैं आपके मैं अच्छा ये बोला था अच्छा मुझे याद नहीं, हो सकता है अच्छा हो सकता है. फादर, हम स्टार्ट करने वाले एक राउंड जिसका नाम है बेसाख्ता 15. मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको उसका एक वर्ड में आंसर देना है विदाउट डिले. आपको फॉरन रैपिड फायर की तरह, दिस इज अ बेल दैट विल इंडिकेट टाइम्स अप. ठीक है, आर यू रेडी? रेडी. सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं? मुंह धोता हूं. वो तीन काम जो आप खुशी से करते हैं? दुआ, ऑफिस में बैठना, ऑफिस या खिदमत करना. ओके, और फिर मैं कहता हूं बस. आप गाना गाना पसंद करते हैं? नहीं, पाए. क्या आप गा सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल okay, आपका पसंदीदा लिबास? पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट. ओके फादर, व्हाट अबाउट दिस व्हिच यू आर वेयरिंग? यस, दिस इज अ कैसिक. सो व्हाई इट्स ब्लैक? क्योंकि रिसेंटली मैं जितने टाइम्स इंटरव्यू कर रही हूँ आई हैव सीन प्रीस्ट वेयरिंग व्हाइट एंड ब्लैक बोथ. तो ये क्या डिफरेंस है एंड व्हाई दिस इज अ लिटिल पार्ट इज व्हाइट एंड द रेस्ट इज ब्लैक? दिस इज लॉन्ग स्टोरी, एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, आपको मैं चले थोड़ा कंसेशन. वी ऑल प्रीस्ट हैव टू वेयर, आई मीन टू सेलिब्रेट मैस. कोई फादर जो है वो ब्लैक नहीं पहन सकते, ब्राउन नहीं पहन सकते. okay. आपने पाखमा सेलिब्रेट करने के लिए आपको वाइट पहनना लाजमी होता है. ऑल राइट, ठीक है. पूरी दुनिया में अक्सर अवकात जो प्रीस्ट जो है वो क्लर्जी कॉलर पहनते हैं और उसके ऊपर वो एल पहनते हैं पाखमास के लिए. पाकिस्तान में देखा में और
गर्मी की वजह से हमें इजाज़त मिला कि हम वाइट कैसिक पहने पाकिस्तान में, इन दिस इंडिया एग्जैक्टली मेनली जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है अफ्रीका वगैरह भी, हमें इजाज़त है ये पहनने के लिए। आप रोम में जाएँ आप देखेंगे रोम में आपको इजाज़त नहीं है किसी तौर पर, जितनी भी गर्मी हो आपको इजाज़त नहीं है वाइट ब्लैक वाइट कैसे कैप पहनना, क्योंकि वाइट इज़ ओनली रिजर्व फॉर होली फादर। सो ऑल अदर प्रीस्ट्स वेयर एनी अदर कलर बट वाइट and black look, I mean black is one of my favorite colors. Oh, mine too. So father, I'll come back to my question. Thank you so much for that. आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है? गुस्सा। आप खुद को तन्हाई में कब महसूस करते हैं? जब quick मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए वो बस जाय कर रहा हूँ। Alright, खुद को एक अल्फाज में कैसे पेश करेंगे? It's very difficult question. एक अल्फाज में टाइम भी कम है मेरे ख्याल में मैं कहूँगा ओके मैक्रियस आई डोंट नो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कॉफी टी और एनी अदर ड्रिंक टी व्हाट इज योर लव लैंग्वेज यप आई गेस लव स्वीटहार्ट डार्लिंग एक ऐसा लव जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यार ट्विटर फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हू इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन माय फादर हू इज योर बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड इज बिशप एनी कैट्स डॉग्स और एनी अदर एनिमल्स नो पेट्स ओके व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक टॉलरेंस व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ आई थिंक के My humility at times. Beaches or snow? I guess snow. Okay, what's your favorite weather? Winter. What about your bad side? Like I said, I think my temper. Adjective that describes you best? Hardworking. अब कुछ अशिया या लफ्जों का जिक्र करूंगी तो जो भी आपके जहन में आए उससे related, you just need to say. Kneel down. Prayer. Calvary. Crucifixion. White cloth. Altar. Alarm. Get up. Spots. Spot. You like sports, right? Pardon? No. You like sports. Yeah, cricket mainly. Okay. Dream. Waste of time. Rung. Red. Heart. Karachi. Khana. Anything spicy. Khubsurat. I guess myself. Rishte. Dosti. Andhera. Cough. Sunday. Overtime. Thank you so much, father, for your time here. आपने अपने busy schedule में से हमें time दिया and it was lovely having you here and listening to your story. It was really inspiring. Father, a final message for all the viewers. To pray for vocations, पहली बात और मेरे ख्याल में कि हम कहीं कुछ भी हो इंसान है बिल्कुल और बिल्कुल. हम गलतियां करते हैं yes. और जैसे और गलती जो है वो सीखने की लम्हा है yes. कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं बिल्कुल बिल्कुल दैट वाज शॉर्ट एंड स्वीट यस थैंक यू सो मच फादर हियर इज अ लिटिल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप जब 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 भी चाय पियेंगे आप इस कॉन्वर्सेशन को और गुड न्यूज टीवी को याद रखेंगे थैंक यू सो मच फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई पर्सनालिटी के साथ ऑन द शो कॉल्ड मेरी बुलाहट सेम चैनल सेम टाइम तब तक देखते रहिए गुड न्यूज कैथलिक टीवी जमीन से आसमान तक